नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टेट न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले डालते हैं नजर हेडलाइंस पर। बेटे की शादी में बुला ली भीड़, 15 लोग हुए कोरोना संक्रमित, एक की मौत। अब डीएम ने लगाया 6 लाख का जुर्माना। जीवन राम गोदारा व हरफूल प्रचार की 14वीं पुण्यतिथि पर 374 यूनिट रक्त संग्रहित। राजस्थान पुलिस द्वारा सोमवार को रात 9 बजे लाफ्टर चैंपियन ख्याली करेंगे ऑनलाइन मोटिवेशनल कॉमेडी शो। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के कलेक्टर ने यहां के एक शख्स पर 6,26,600 रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल इस शख्स ने अपने बेटे की शादी समारोह में 13 जून को 50 से ज्यादा लोगों को आमंत्रित किया था। समारोह में शामिल होने के बाद 15 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, वहीं जबकि एक शख्स की मौत इस संक्रमण के कारण हो गई। गौरतलब है कि पूरे राजस्थान में प्रशासन ने बड़ी मुस्तैदी के साथ लॉकडाउन का पालन करवाया था। कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन के तहत जारी निर्देशों के प्रति प्रशासन खूब सतर्क रहा। राजस्थान पुलिस ने लॉकडाउन के उल्लंघन करने वालों के रिकॉर्ड चालान भी काटे। राजस्थान में एपिडेमिक अध्यादेश के तहत अब तक 1,36,000 से अधिक व्यक्तियों का चालान कर उनसे 2,35,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना वसूल किया जा चुका है। पुलिस महानिदेशक बी.एल. सोनी ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने वाले 67,000 से अधिक लोगों पर जुर्माना लगाया जा चुका है। बिना मास्क पहने लोगों को सामान बेचने वालों पर 7,000 से अधिक और निर्धारित सुरक्षित भौतिक दूरी नहीं रखने वालों पर 63,000 व्यक्तियों का चालान काटा गया है। इनके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, शराब पीने और गुटखा तंबाकू खाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भी बड़ी कार्यवाही की गई है। वहीं बड़ी संख्या में वाहनों को भी जब्त किया जा चुका है और उनसे भी करोड़ों रुपए का जुर्माना वसूला गया है। उसके बाद कार्रवाई अभी भी जारी है। सोनी ने बताया कि लॉकडाउन के पीरियड में कालाबाजारी करने वाले लोगों पर भी पुलिस ने अपनी पैनी नजर रखी। लॉकडाउन के दौरान कालाबाजारी करते पाए गए दुकानदारों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 135 मुकदमे दर्ज कर कार्रवाई की गई और 85 को गिरफ्तार किया गया। सोनी ने बताया कि राजस्थान पुलिस द्वारा सभी निर्धारित प्रावधानों के तहत प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। बाबा रामदेव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना की दवाई बनाने का दावा और प्रचार करने में जयपुर में पहले गांधीनगर क्षेत्र में परिवादी दर्ज हुआ था, वहीं अब ज्योति नगर थाने में भी FIR दर्ज करवाई गई। कोरोना दवा की घोषणा के बाद जयपुर के अधिवक्ता निर्माण नगर निवासी बलराम झाखड़ व वैशाली नगर निवासी अंकित कपूर ने शुक्रवार को योग गुरु बाबा रामदेव सहित 5 जनों के खिलाफ ज्योति नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। बाबा रामदेव के अलावा डॉक्टर बलवीर सिंह तोमर, आचार्य बालकृष्ण, डॉक्टर अनुराग तोमर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर अशोक गुप्ता ने बताया कि गांधीनगर थाने में परिवाद और ज्योति नगर थाने में FIR के अलावा भी शहर के कई थानों में बाबा रामदेव के खिलाफ परिवाद प्राप्त हुए हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव को भी बाबा रामदेव के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए परिवाद सौंपे हैं। हालांकि नियम अनुसार एक थाने में मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी गई है। करौली जिले के सपोटरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामठना में मां सरस्वती की प्रतिमा की स्थापना की गई। इस दौरान पंडित राजू शर्मा ने विधि विधान से विद्यालय परिसर में हवन किया और प्रतिमा की स्थापना हुई। इस मौके पर अध्यापक रमेश चंद्र शास्त्री, विजेंद्र अग्रवाल, रामरूप मीणा, मुकेश मीणा, जगदीश राणा, जूही गुप्ता, मेघराज मीणा सहित रामठना के गणमान्य लोग मौजूद रहे। कुचामन सिटी के डीडवाना शहर में संचालित मारवाड़ हॉस्पिटल में जीवन राम गोदारा व हरफूल प्रचार की 14वीं पुण्यतिथि के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कमलजीत ढाका व राजेंद्र रेवाड़ी ने बताया कि शिविर में राजकीय जयपुरिया ब्लड बैंक, अर्पण ब्लड बैंक जयपुर, शांति ब्लड बैंक जयपुर के द्वारा कुल 374 यूनिट ब्लड संग्रहित किया गया। शिविर में टीम मिशन मानवता नागौर का विशेष सहयोग रहा। शिविर में पाटन मेडिकल सोसाइटी के लोगों ने भी रक्तदान किया। डॉक्टर सोहन चौधरी, भाजपा जिला महामंत्री रामकिशन कीचड़, लाडनू विधायक मुकेश भाकर, डॉक्टर अजीत बलारा ने रक्तदाताओं को हौसला अफजाई करते हुए कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है जिसमें जरूरतमंदों को नया जीवन मिलता है।
शिविर में रक्तदान के प्रति युवाओं को भी जुनून देखा गया, वह समाज के लिए प्रेरणा है। बारा के छिपाबड़ौद में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय द्वारा कस्बे के त्रिवेणी धाम समेल पर कोरोना वॉरियर्स सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कोरोना वॉरियर्स के रूप में शिक्षकों व पत्रकारों को सम्मानित कर स्मृति चिन्ह उन्हें भेंट किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि त्रिलोक चंद्र शर्मा, विभाग मंत्री, शिक्षक संघ राष्ट्रीय व वरिष्ठ अतिथि घनश्याम नागर ASI रहे। इस दौरान सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइन का पालन किया। कार्यक्रम में उपकंड के सभी पत्रकार व शिक्षक संघ के सदस्य मौजूद रहे। कोरोना को लेकर राजस्थान सरकार का महाजन जागरण अभियान के तहत राजस्थान पुलिस के लिए मोटिवेशनल कॉमेडी शो करेंगे। लाफ्टर चैंपियन ख्याली सोमवार शाम को रात 9 बजे ख्याली कॉमेडियन व राजस्थान पुलिस फेसबुक पर लाइव होंगे। कोरोना के जन जागरण को लेकर मोटिवेशनल कॉमेडी शो किया जा रहा है। राजस्थान पुलिस ने पिछले 3-4 महीने से लगातार ड्यूटी कर सराहनीय प्रयास किया है। कोरोना को रोकने का राजस्थान पुलिस के सिपाही, थाना अधिकारी, अफसर, सारी टीम ने मिलकर कोरोना के प्रति जंग के लिए बहुत ही सराहनीय प्रयास किए हैं, जिनकी तारीफ पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। उन्हीं जवानों को मोटिवेट करने के लिए, स्ट्रेस दूर करने के लिए TV फिल्म आर्टिस्ट कॉमेडियन ख्याली एक कॉमेडी शो सोमवार रात 9 बजे फेसबुक पर लाइव करेंगे। राजस्थान पुलिस द्वारा बहुत ही अच्छी पहल, आम लोगों को कोरोना के प्रति महाअभियान चलाकर जागृत करना, जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलना, मास्क लगाकर रखना, दूरी बनाए रखना, सावधानी ही सुरक्षा है, सुरक्षा ही इलाज है। हमेशा की तरह राजस्थान पुलिस को सपोर्ट करने के लिए आप भी लाइव मोटिवेशन शो देख सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं और हंसते हंसते जवाब के साथ एंटरटेनमेंट भी होगा और कोरोना के प्रति जन जागृति अभियान भी होगा। हाय नमस्कार, मैं हूं लाफ्टर चैंपियन ख्याली। कल 29 तारीख को सोमवार शाम को 9 बजे ख्याली कॉमेडियन पेज फेसबुक पे और पुलिस राजस्थान पेज फेसबुक पे मैं आ रहा हूँ लाइव। हंसेंगे, हंसाएंगे, मस्ती करेंगे। और राजस्थान पुलिस ने जो 3-4 महीने तक जबरदस्त ड्यूटी की है कोरोना की इस जंग में, उन सभी जवानों को, उन सभी सिपाहियों को, उन सभी ऑफिसर्स को हम एक आभार प्रकट करेंगे और उनका स्ट्रेस दूर करेंगे। और राजस्थान सरकार का ये जन जागरण अभियान कोरोना के प्रति आम आदमी को जागरूक करना, जो आपका, हमारा, सबका एक फर्ज भी है, और इस कोरोना को हराने के लिए जन जागरण अभियान को जन आंदोलन बनाने के लिए 29 तारीख सोमवार रात को 9 बजे फेसबुक पेज ख्याली कॉमेडियन और पुलिस राजस्थान पे लाइव हंसेंगे, हंसाएंगे, आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। जय हिंद। जोधपुर के ओसिया में गुरुवार को हुई मानसून की पहली बारिश से हरियाला गंवाई नाड़ी लबालब भर गई। शनिवार को एक युवक पानी भरने गया, उसी दौरान उसे पैर फिसलने से डूब गया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। मतोड़ा थाना अधिकारी नेमाराम इनानिया ने बताया कि हरलाया निवासी जगदीश राम लोहार ने रिपोर्ट दी है कि उनके छोटे भाई का लड़का किसान राम पुत्र रेवंत राम जाति लोहार निवासी हरलाया शनिवार को गवाई नारी में पानी भरने गया था, उसी दौरान पैर फिसलने से डूब गया। पास से गुजर रहे कुछ बच्चों की नजर पड़ी तो उन्हें चिल्लाने पर ग्रामीण दौड़कर चारपाई व रस्सी की सहायता से बचाने के लिए कूदे तथा काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाल कर ओसिया CHC को ले गए, जहां डॉक्टर प्रदीप चौधरी ने जांच कर उसे मृत घोषित कर दिया। ओसिया CHC में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। जैसलमेर में मिड डे मील योजना के तहत जिले के राजकीय प्राथमिक विद्यालय इंद्रनगर विद्यालय में इस बार घटिया स्तर के गेहूं व चावल की आपूर्ति करने का मामला सामने आया है। गेहूं में मिट्टी व फफूंद लगी है, चावल के अंदर भी छिपकली है, जिसे स्कूलों के संस्था प्रदान खाद्यान्न का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि आपूर्ति में कुछ गेहूं घटिया स्तर का है, चावल के अंदर छिपकली, ऐसे है पोषाहार बच्चों को देने से बच्चों के स्वास्थ्य पर खिलवाड़ हो रहा है। स्कूल के संस्था प्रधान ने बताया कि लंबे समय से स्कूल बंद रहने की वजह से पोषाहार खराब हो गया है, गेहूं में मिट्टी तथा कुछ में फफूंद लगी है, इस वजह से वितरण नहीं किया गया। बच्चों को पोषाहार के गेहूं का वितरण 15 जून से 25 जून तक करने के आदेश थे, मगर इस बार जिले के अनेक स्कूलों में पोषाहार भंडार पर्याप्त नहीं है और इंदिरानगर स्कूल के MDM स्टॉक कम कैसे हुआ ये तो मिड डे मील प्रबंधन जाने, मगर पोषाहार के नाम पर गेहूं गबन का मामला लगाया जा रहा है। सूत्रों के से मिली जानकारी के अनुसार CPDO
पोखरण ने इस संबंध में कार्रवाई करते हुए टीम नियुक्त स्कूल में भेजी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर आसपास के लोगों से गेहूं लेकर स्टॉक को पूर्ण कर लिया गया। जानकारी के अनुसार पूर्व में मिड डे मील प्रभारी अध्यापिका सविता रानी एवं गीता छुट्टी पर हैं। वर्तमान में चार्ज अध्यापक सोंग सिंह के पास है, जिन्होंने गत में ही पूर्व दिन पहले ही ज्वाइन की है। स्कूल कौन सी? तो इस स्कूल में आपने पोसार जो सरकार के आदेश से 15 से 25 तक पोसार वितरण करना, तो अभिभावकों को आपने पोसार अभी तक वितरण किया? नहीं, अभी तक क्या है कि मेरे को कल ही ज्वाइनिंग किया। तो इससे पहले टीचर था, उन्होंने किया नहीं, और अभी आपके स्टॉक है क्या? नहीं, स्टॉक उपलब्ध नहीं है, इसके बारे में अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया। तो अधिकारियों ने क्या बताया? उन्होंने कहा है कि भैया आगे सूचना भेज दी गई है और स्टॉक उपलब्ध करवा दिया। तो आपके ब्लॉक अधिकारी जो इसका पीयू है वो तो बता रहा कि स्टॉक ऑलरेडी इंदिरा नगर में है कुछ, तो इसके लिए आपके यहाँ स्टॉक कितना है? नहीं, स्टॉक तो है, वैसे मैंने कल ही ज्वाइन किया है, उन्होंने प्रभार मेरे को अभी दिया नहीं इस कारण। अच्छा, तो यहाँ की ग्रामीण बता रहे हैं कि जहाँ इसमें पोसार है जिसमें गेहूं है वो पूरी तरह से खराब हो चुका है, और चावल है उसके अंदर चिपकले जैसे कई ऐसे कीटनाशक पड़े है जिना और जीव, तो ऐसे खाने से बच्चे की सेहत के लिए हानिकारक है, और इसकी जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, वो कल मैंने और कुछ अभिभावक आए थे, हमने मिलके खाद्यान्न को देखा, वो तो उसमें इडली वगैरह पड़ी हुई है और इस कारण दिया नहीं। तो ऐसे ये क्यों खराब हुआ? आपने वितरण या तो किए नहीं या लंबे समय से इसको रखा दबोच के, इस वजह से तो ये खराब हुआ है? नहीं, इसके बारे में मैं अभी आपको कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने कल ही ज्वाइन किया है। कल ही ज्वाइनिंग किया, चलो आपकी बात सही। तो और इसमें आपके उपलब्ध कम है, तो ये कैसे हो गया? हाँ, ये स्टॉक रजिस्टर मैंने देखा था उसमें, और जो भौतिक रूप से है उसमें थोड़ा बहुत अंतर है, जिसके बारे में अधिकारियों को अवगत करवा दिया। तो अधिकारियों ने क्या बताया? उन्होंने बताया कि भाई अब नया स्टॉक आएगा उसमें से दे देना, क्योंकि मेरे को जो यहाँ से गए उन्होंने पोसार का प्रभार दिया नहीं। अच्छा, दिया नहीं। तो पिछला पोसार में जहाँ रजिस्टर्ड स्टोरी में देखे तो ज्यादा बता रहा है, और वहाँ पर स्टॉक उपलब्ध कम है, तो इसमें ये कम हुआ, इसका क्या लगता है, कैसे हो गया कम? अब इसके बारे में मेरे को कुछ भी पता नहीं है। चलो, इस बारे में हम आगे पीयूसी बात करेंगे। थैंक यू सर। जयपुर में सेंट्रल पार्क में जिम ट्रेनर्स की ओर से एक प्रोटेस्ट किया गया, जिसमें उन्होंने मांग रखी है कि केंद्र और राज्य सरकार ने मॉल, शराब की दुकानें, मार्केट जैसी सभी जगह खोल दी है, तो जिम से इतनी नाराजगी क्यों? आखिर ये दोहरा व्यवहार क्यों? राजस्थान की पहली बॉडी बिल्डर महिला प्रिया सिंह ने कहा कि 4 महीने से अपनी फिजिक्स नहीं बना पाने की वजह से नेशनल के लिए मेहनत भी नहीं कर पा रही है, ना ही न्यूट्रिशन पूरी तरह ले सकती हैं और ना ही एक्सरसाइज कर पा रही हैं। सरकार ने सभी चीजें खोल दी तो सिर्फ जिम ही क्यों बंद रखा गया है, जबकि जिम तो व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में काफी सहयोग करता है। जिम ट्रेनर फिरोज खान ने बताया कि जिम ही एकमात्र ऐसे स्थान है जहां सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही एक्सरसाइज की जाती है और लोगों की इम्यूनिटी पावर भी बढ़ाई जाती है। 4 महीने से बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, जो स्टूडेंट्स आगे बढ़ना चाहते हैं वो भी रुक गए। सांगानेर के जिम ट्रेनर सुशील ने बताया कि बड़ी संख्या में जिम नहीं खुलने की वजह से 4 महीने से लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। जिम ट्रेनर के साथ पर न्यूट्रिशन जो लोग बेचा करते थे उनके कारोबार पर भी काफी असर पड़ा है। जिम नहीं खुलने से नशाखोरी बढ़ने की चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं, नौजवान पीढ़ी नशे की तरफ बढ़ रही है, इसलिए सरकार को चाहिए कि वे जल्द से जल्द जिम खोले। मैं ट्रेनर भी हूं और जिम ओनर भी हूं, और हम लोग यहां इकट्ठे हुए हैं ताकि हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार से रिक्वेस्ट कर सकें कि वो जल्द से जल्द जिम और स्पोर्ट्स एकेडमी, जिसमें कि ताइक्वांडो, कराटे, बॉक्सिंग, ये सारे ये बंद हैं एकेडमीज वगैरह, तो जिम और एकेडमीज खोली जाएं। और यही रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं कि जब दारू शराब के ठेके खुल गए, पूरा मार्केट खुल गया, मॉल खुल गया, तो जिम क्यों नहीं खुल सकते? अगर जिम खुलेंगे तो इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो लोग जल्दी रिकवर करेंगे और बीमारी नहीं पड़ेंगे। तो यही हमारा निवेदन है गवर्नमेंट से कि इस ओर ध्यान दिया जाए। पूरे राजस्थान भर से जिम वालों को कितने लोग आते हैं? राजस्थान में काफ़ी जिम है, करीब 500-600 तो जयपुर के अंदर ही है, और हजारों और लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हो गए, जो जिम से जुड़े लोग हैं, ट्रेनर हैं, ओनर हैं, जिम इक्विपमेंट वाले हैं, सप्लीमेंट वाले हैं, तो बेरोजगारी दर उसमें लाखों में चली गई। अब तो 4 महीने से जब ये बंद हैं तो वो लोग कैसे परिवार चलाएंगे और कैसे क्या करेंगे? जिम खोलने के लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सब
पूरा मार्केट खुल गया, दुकानें खुल गई, मॉल खुल गए, शराब के ठेके खुल गए, फिर जिम क्यों नहीं खुल रहे? हम सरकार से यही अपील करना चाहें कि हमारा भी घर परिवार है, बच्चे हैं, हम बेरोजगार हो गए, तो प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके जिम खोल। लगभग कितने इसी से जुड़े होंगे जिम वगैरह, ट्रेनर वगैरह? अगर अपन पूरे जयपुर की बात करते हैं तो 500 से 600 जिम है सर, वो सब बंद पड़े हैं। 4 महीने से जिम नहीं खुले, लाइट पानी का बिल है, और मतलब जो मेंबरशिप आ रहा है, जैसे मैं एथलीट हूँ, मुझे नीड है, मैंने जिम के नाम पे अपनी पहचान बनाई है, तो आज मुझे 4 मंथ से मुझे बहुत लॉस हो रहा है। मेरी जैसी कई फीमेल है जो बाहर आना चाहती है, पर जब जिम ही नहीं खुलेंगे तो हमारी इम्यून सिस्टम कहाँ से होगी, हम कहाँ से डाइट करेंगे, कहाँ से न्यूट्रिशन का खर्चा उठाएंगे, कहाँ से एक्सरसाइज करेंगे? और जब सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं, रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। तो सरकार से यही निवेदन है, जितनी जल्दी हो सके जिम खोल दीजिए, हम भी रूल रेगुलेशन फॉलो करेंगे। आपका नाम बता दीजिए। मैं प्रिया सिंह राजस्थान, फर्स्ट वुमन बॉडी बिल्डर एंड मिस राजस्थान। मैं पिछले 3 साल से मिस राजस्थान रह चुका हूँ। नमस्कार, मेरा नाम सुनील है और मेरे जिम और बॉक्सिंग एकेडमी है जो सांगानेर में है। देखिए, गवर्नमेंट ने अभी जिम और बॉक्सिंग एकेडमी वगैरह बंद कर रखी है। हाल ही के दिनों में डॉक्टर्स के जितने स्टेटमेंट आए उसमें ये चीज़ तो क्लियर हो गई है कि इस बीमारी से आदमी तभी बच सकता है जब उसका इम्यून पावर अच्छा हो, और इम्यून पावर अच्छा करने के लिए सबसे बेहतर और सॉलिड तरीका होता है वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज करेगा आदमी रेगुलर तो अच्छी डाइट लेगा, अच्छी डाइट लेगा तो इम्यून सिस्टम भी बहुत बेहतर होगा। तो मेरा हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि जल्द से जल्द इस फील्ड को चालू किया जाए, प्लीज़। हम लोगों का भी परिवार, थैंक यू। अगर नहीं खोले तो क्या कुछ आगे का प्लान है आप लोग? सर देखिए, आज हम काफ़ी सारे लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं गवर्नमेंट से, इसी हमारी यही हमने एक उम्मीद के साथ में अपनी बातें रखी हैं गवर्नमेंट के सामने। अगर ये अभी भी नहीं करते हैं तो फिर हम लोग कुछ ज़्यादा बड़े पैमाने पे करेंगे यही काम, फिर से एक बार प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, फिर से निवेदन करेंगे। और अभी क्या करें, सभी लोग इस फिटनेस फील्ड से जुड़े हुए हैं और हम खुद लोग अब फील कर रहे हैं कि हमारी फिटनेस नीचे गिरती जा रही है, तो जो लोग नहीं करते हैं या जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके साथ में भी क्या हो रहा होगा। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुनील है और मेरा जिम है सांगानेर। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, आप देखते रहिए डीपीके न्यूज़। नमस्कार।